की बात कर रही थी, पोजीशनिंग तो उसमें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की जो भी है थोड़ी बहुत है, लेने का अभी लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन गार्टनर जो एक बड़ी एजेंसी है जो करेक्ट. आईटी सेक्टर में ट्रेंड्स ट्रैक करती है, उसकी जो कमेंट्री अगर आप देखें तो अभी वो ये कह रहे हैं कि ये आईटी स्पेंड्स के ऊपर कोई खास सेंस नहीं आ रहा है उनका, कि आईटी स्पेंड्स श्रिंक हो रहे हैं या पैसा खींच रहे हैं लोग। और उन्होंने जो ग्रोथ की कमेंट्री दी है वो कितनी दी है, लगभग 5% की सेक्टर में, 5.4% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ की उन्होंने अपने अनुमान दिखाए हैं। मयूरेश, आपने गार्टनर की कमेंट्री पर नज़र डाली? अभी बहुत ज़्यादा कॉशियस तो नहीं हुई है एटलीस्ट गार्टनर, या आपको लगता है ये बिहाइंड द कर्व है, बाजार जो है वो कुछ और जानता है, ये सारी रिपोर्ट्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से कंज्यूम करना चाहिए? बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट से करना चाहिए। आई थिंक 2 वजह, जैसे आपने राइटफुली कहा जाए, आई थिंक एक जो रिसेशनरी फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं और जो होंगे विद एलिवेटेड रेट हाइक्स, पता नहीं आज डेटा क्या आता है शाम को, ऑब्वियसली आई थिंक इन्फ्लेशन नंबर्स कम आएंगे, बट आई थिंक स्लो डाउन डेफिनेटली विटनेस करेगी, जिससे वजह से ऑर्डर्स में एक जो इन्फ्लक्स था वो कम होने वाला है। दूसरा, आई थिंक टीसीएस की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने अभी भी कहा है कि यूरोप प्रॉबेबली लुक्स वेरी वेरी पैची एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप आईटी कंपनी को देखें, यूएस, यूके और यूरोप में एक्सपोजर ठीक ठाक है, अलॉन्ग विद नॉर्थ अमेरिका, और जो की सेगमेंट्स होते हैं बीएमएसआई, रिटेल, हाईटेक का, ये की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे डेफिनेट स्लो डाउन विटनेस हो रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक एज वी मूव अलॉन्ग, यानी जब पहले तिमाही से दूसरे तिमाही में एंटर करेंगे और जैसे एक ट्रांजिशन फेज आते जाएगा, क्या रिविजन होती जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, दैट इज अ लार्ज अनोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये लार्ज अनोन की वजह से आई थिंक जो आईटी सेक्टर का एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है या अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये शायद कंटिन्यू। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये 2 फैक्टर्स हैं जो शायद हावी रहेंगे आईटी सेक्टर। ठीक है, ये तो हमने आईटी सेक्टर पर भी डिटेल्ड में समझा. फैटेक का काफ़ी अच्छी गाइडेंस देखने को मिली. लुपिन अपनी जो एक ईयरली हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन देता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी. लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की सेल्स की गाइडेंस दी है, और अपने एबिटा मार्जिन की भी गाइडेंस उन्होंने FY25 में 18 से 20% तक की रहने की बात की है. इनफैक्ट मुझे याद है कि कल शायद हम किससे बात कर रहे थे, तो उन्हें फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ल्यूपिन ही दिख रहा था. ल्यूपिन पर आज इस ट्रेड को कैसे, इनफैक्ट पहले एक बार मयूरेश से समझते हैं, फिर ट्रेड चेक भी लेंगे, चार्ट चेक भी लेंगे. मयूरेश, फार्मा स्पेसेस के लिए दिक्कतें थोड़ी सी थी, क्योंकि दो बास्केट्स में अलग अलग देखना चाहिए कि जो जेनरिक दवाओं में और जो यूएस एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा है. लेकिन अब जिस तरह से फार्मा में ये ल्यूपिन ने अपनी मजबूत गाइडेंस इस साल के लिए दी है, आप इस स्टॉक पर क्या एनालिसिस रखते हैं? तो मॉर्निंग प्रियंका, नहीं दो चीजें आई थिंक जो गाइडेंस है ऑब्वियसली आई थिंक काफी बेहतर है, जो एक्सपेक्टेशन थी और जो इन्होंने टारगेट दिया है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स इज रिलेटिवली बेटर। बट अगर आप एनालाइज करें पिछले 2 या 3 तिमाहियों के नतीजे, लुपिन के मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट डिटोरेशन देखने मिला था, प्राइसिंग प्रेशर ऑब्वियसली हावी हो रहे थे यूएस जेनेरिक मार्केट्स में, जैसे आपने राइटफुली कहा जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहती है, जो एफटीएफ और स्पेशलिटी ड्रग्स लॉन्चेस हो रही थी वो काफी कम हो रही थी, जो हाई मार्जिन वाले बिजनेस रहते हैं, और जिससे एक पुष्टि मिलती है इन टर्म्स ऑफ बेटर कैश फ्लो एंड बेटर अर्निंग्स के हिसाब से बेटर अर्निंग्स विजिबिलिटी एज वेल। हैविंग सेड दैट, आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड मार्जिन शायद लुपिन के पीछे पड़ गए हैं, आई थिंक दे आर बिहाइंड अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और लार्जली जो हम लॉन्चेस की एक्सपेक्टेशन करते हैं, आई थिंक अ फ्यू की लॉन्चेस कैन प्रोबेबली कम थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो कैश फ्लोस को सहारा दे। तो आई थिंक कॉमेंट्री अच्छी है, एक्सपेक्टेशन की जितनी भी आई थिंक नंबर्स आए हैं लुपिन के स्पेसिफिकली, ये शायद बॉटम आउट हो चुके हैं, एंड प्रॉब्ली जो भी आगे नंबर्स आएंगे अगर मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, नंबर्स शुड बी रिलेटिवली बेटर ईच पासिंग क्वार्टर। तो हाँ, आई थिंक थोड़ी परस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्ट्स लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा के लिए लग रहे हैं फार्मा स्पेस। ठीक है, तो ल्यूपिन पर इनफैक्ट फार्मा स्पेस में ल्यूपिन के मुकाबले सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स हैं जिनमें हमने एक्शन भी देखा, और इस लिस्ट में सन फार्मा भी शामिल है.